नमस्कार, पंचायत चुनाव यात्रा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का शो ये 13वां शो है और आज के शो में हमारे साथ बात करेंगे संजीव कुमार नीरज उर्फ रिंकू जी। मैं आपको बता दूं कि ये मधुबनी जिला के जिला परिषद संख्या 27 पंडौल से इस बार जिला परिषद के पद पर चुनाव लड़ेंगे। रिंकू जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc किए हैं और इनकी कई संस्था है जो चलती है, चाहे वो मधुबनी में हो या पटना में हो। इसके अलावा ये एक समाज सेवी हैं और इस बार जिला परिषद संख्या 27 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या विचारधारा है और अपने जिला परिषद संख्या 27 के लिए क्या करना चाहते हैं। ऐसे तो पंचायत चुनाव में बहुत सारे पद हैं, लेकिन इन्होंने जिला परिषद पद को ही क्यों चुना, तो चलिए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपके जिला परिषद क्षेत्र संख्या में कौन कौन से पंचायत आते हैं, हम जानना चाहेंगे। पंचायत एक्चुअली भी मेरा होम पंचायत जो होता है वो भगवतीपुर पंचायत है और उसके बाद बिठवार पंचायत भी आ जाता है हम लोगों के जिला परिषद क्षेत्र में। बिरोल पंचायत, सलेमपुर पंचायत, भोर पंचायत में राजेग्राम वगैरह आता है, हनुमान नगर और बेलाही पंचायत, ये सब जो है ना हमारे जिला परिषद क्षेत्र में आता है। बच्चों को एजुकेशन बांटना आपका एक काम था, फिर आप ये पॉलिटिक्स में आना क्यों पसंद किए और जिला परिषद पद से उम्मीदवार हैं इस बार, क्या कारण हो सकता है? मेरा अगर प्रिंसिपल बचपन से व्यूज रहा है कि जो क्रांति तलवार नहीं ला सकती है वो क्रांति कलम ला सकती है। आपने देखा होगा कि बिस्मार्क जो है जब यूनिफिकेशन जर्मनी का किया तो बिस्मार्क के सिद्धांत को फॉलो जितना एक्सेप्टेंस आपको जर्मनी में नहीं मिला उससे कहीं ज़्यादा सोशलिज्म विचारधारा का जो है ज़्यादा फॉलोअर्स हुए रसिया में। तो मैं चाहा कि चलो कलम से एक क्रांति लाई जाए। गांधी जी ने जो कलम से जो क्रांति लाई पूरे विश्व में वो सराहनीय है और मैं कलम का पुजारी हूँ। और जब हम भ्रष्टाचार देखते हैं कि आप क्या कहोगे कि आप लोअर स्केल में, लोअर लेवल में ये करप्शन बैठा हुआ है, ये अपर लेयर से बॉटम में आ रहा है। तो मैं आज एक शिक्षक के नाते मैं इतना भाव विवल और इतना ज़्यादा मैं एक अंदर की मेरी मनस्थिति ये होती है कि बदलाव आएगा कैसे जब एजुकेटेड लोग घर बैठ जाएंगे, दरवाज़ा बंद कर दें, तो ये रिवॉल्यूशन आएगा फिर कैसे? क्योंकि अंगूठा छाप लोगों की जो है ना पॉलिटिक्स में बोलबाला हो गया, वो बाहुबली हो गए। लेकिन जब पढ़े लिखे बाहुबली से उन्हें जो है ना कॉन्टैक्ट नहीं होता है, हम इसी मानसिकता के लोग थे कि भाई बदलाव तो कैसे किया जाएगा, जब सब घर में बैठ जाएंगे हम एजुकेटेड लोग तो ये चेंजेज होगा कैसे? तो ये चेंज और परिवर्तन की हवा चल रही है हमारे जिला परिषद में। और मैंने जिस जिला परिषद कैंडिडेट जो पहले प्रीवियस जो हमारे जिला परिषद के सदस्य रहे तो उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, तो मैंने वोट दिया था उनको और जब मैं देख रहा हूं कि वो काम नहीं हो रहा है तो मैं तो कह रहा हूं कि अब मैं चुप नहीं बैठने वाला, मैं तो अगेंस्ट में उनके फाइट कर रहा हूं। अब मैं हिसाब नहीं लूंगा, वो इलेक्शन में हिसाब होगा। पहली बार चूंकि आप जिला परिषद पद पे चुनाव लड़ रहे हैं तो अंदर से किसी तरह का भय हो, फियर हो? कदम बढ़ाते समय थोड़ी बेचैनी होनी तो जायज है, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो वो तो थोड़ी सी बेचैनी होती है। पर बिना कोशिश किए खुद से ही उन्हें बुरा या बर्बादी की ओर ले जाने वाला मान लेना ये सही नहीं है, ये मेरी पर्सनल व्यूज है। हमें अपने डरों से लड़ना होता है, उनसे बचकर छिपने की कोई जगह है क्या जमीन पे? अब मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। और डर है तो कोई काम अगर स्टार्ट करते हैं आप तो स्टार्टिंग में थोड़ी डर होनी चाहिए। और डर था मुझे जब मैं फर्स्ट डे जनसंपर्क पे निकला, लेकिन सर जनता की इतनी असीम जनसंपर्क करने के बाद मुझे इस चीज़ की भान हुई है कि जनता का प्यार, भाई बहन और वोटरों का प्यार देख के तो मुझे अब होता है कि मुझे अब हमसे लोग डरे, हमें अब डरने की ज़रूरत नहीं।
पंचायत स्तर जो नीचे आपने कहा था जो बॉटम में होता है वहाँ से ही किसी चीज़ की भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, तो आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में कैसे आप इस पंचायत की जनता को और मतलब पंचायत प्लान क्या है? जी विजनरी एक्शन सबसे पहले तो सर बहुत सारे ऐसे जिला परिषद के कैंडिडेट हैं हम साहब जिन्हें पता ही नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली वो जिला परिषद बन जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जिला परिषद होता क्या है। आप चले जाइए मेरे जिला परिषद क्षेत्र में तो बहुत सारे ऐसे वोटर्स मिलेंगे कि जिला परिषद कौन है उसका नाम तक नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो चेहरा नहीं देखा है कि जो ये कंसेप्ट को बदलना होगा। और जिला परिषद मेरा तो अपना एक विजनरी प्लान है कि मैंने होमवर्क भी करा है कि सबसे पहले तो मैं वर्क करूँगा एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत ही एग्रीकल्चर कंट्री माना जाता है और है ही इनकम सोर्सेज इकोनॉमी का जो है 70-80% लोग तो उस पर डिपेंड ही हैं। उसको पढ़ा, पूरी कंसेप्ट लिया कि क्या क्या उसकी शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य है, तो उसमें मैंने 3 पॉइंट्स मैंने होमवर्क किया जिस पे वर्क कर रहा हूँ, वो है किसानों का प्रशिक्षण देना। आप बाहर के नहीं हैं, आप ही मधुबनी क्षेत्र से हैं, आप बताइए तो कौन कौन जिला परिषद के ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसानों का प्रशिक्षण लगाया होगा? हमें तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि 5 ईयर्स विदिन अ 5 ईयर्स हम जिला परिषद के क्षेत्र में लोगों से कनेक्ट हैं। ऐसा नहीं कि मैं हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हूँ कि आज आ गया और इलेक्शन के टाइम में मेरा फेस देख रहा है। मैं समाज सेवी हूँ और अपने जिला परिषद क्षेत्रों के लोगों से मिलता रहता हूँ, तो उसमें किसानों का प्रशिक्षण तो मेरे को देखने को नहीं मिला। उसके बाद कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन होना चाहिए, यह बायलॉज में लिखा हुआ है कहाँ कहाँ कृषि मेला लगा है मधुबनी में बताइए तो हमको इक्का दुक्का याद भी नहीं होगा कब लगा या नहीं लगा। उसके बाद कृषि एवं बागवानी प्रसार, मेरा 3 पॉइंट्स पे जो है ना फोकस रहेगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। दूसरी बात, उसके बाद मैं एजुकेशन से पहले हेल्थ सेक्टर को मैं टारगेट करूँगा। हेल्थ सेक्टर में जाके आप हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स क्यों नहीं अटेंडेंस सही बनता है, क्यों? आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट का सर्वेंट है लेकिन मालिक बन के नहीं चलेगी। उस सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को सही कर रहा है। जो आप टाइम पे आइए ना, मेरी जाति दुश्मनी तो है नहीं, अगर मुझे मौका मिलता है, यहाँ की जनता अगर मुझे मौका देती है तो सबसे पहले तो हेल्थ सेक्टर को करेक्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद मेरा एजुकेशन सेक्टर होता है और एजुकेशन सेक्टर तो मेरा बहुत दिलचस्पी है क्योंकि मैं एजुकेटेड लोग हूँ और एजुकेशन से मुझे प्यार भी है। इसके बारे में कुछ हमारी पर्सनल जो है हमारी एक्सपीरियंस भी हो गया, तो इसमें सबसे पहले तो शैक्षणिक क्रियाकलापों का प्रोत्साहन देंगे। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूँ, साइंस का टीचर भी हूँ, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के प्रचार प्रसार का विस्तार करने का मेरा अपनी योजना है। दूसरी बात, एजुकेशन सेक्टर में ही सामान्य छात्रावासों, आश्रमों, विद्यालयों एवं अनाथालयों की स्थापना और अनुरक्षण करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद क्या आपको लगता है कि जितने काम आपने गिनाए हैं, जो जो क्षेत्र में आप काम करेंगे, क्या ये जिला परिषद के फंड में ये सब काम हो पाएगा? हाँ सर, ये है, आप पढ़ें, आप जिला परिषद की जितनी कार्य, जिला परिषद की जो कार्य और शक्तियाँ हैं, इतने सेक्टर हैं। उसके बाद मैं जस्ट, मुझे 2 मिनट का और टाइम दिया जाए आपका। उसके बाद सामाजिक कल्याण एवं कमजोर वर्गों का कल्याण सेक्टर में भी फंड आता है, जिला परिषद को पता ही नहीं है कौन फंड का। दूसरी बात, सामाजिक कल्याण एवं कमजोर वर्गों का कल्याण भी मेरा प्रायोरिटी रहेगा। घरेलू एवं लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस सेक्टर में भी जिला परिषद को काम करना चाहिए और है। उसके बाद मत्स्य पालन और पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी में भी वर्क करने की ज़रूरत है। और बताइए, ये मधुबनी का क्षेत्र जहाँ माछ पान मखान हम लोग बचपन से सुनते रहे, इंडस्ट्री तो खुद डेवलप कर सकते हैं, आपके पास में विजन होना चाहिए। तो यहाँ के तो कैंडिडेट की विजन अपनी क्या है, क्योंकि बहुत 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 योग्य और बुद्धिजीवी लोग हैं, तो वहाँ पर तो मैं छोटा नामचीन लोग हैं, हमारी अपनी ये रही। दूसरी बात, बागवानी में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मॉनिटरिंग करना, ये भी जिला परिषद के फंड में आता है। सामाजिक सुधार कार्यकलाप, महिला संगठन जैसे वुमेन्स इन्हेंसमेंट पर भी वर्क करना जिला परिषद में आती है, उनकी योजनाएं हैं। उसके बाद एक जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ मैं बता रहा हूँ
कि मेरा अपना एडिशनल है जिसमें सर गवर्नमेंट की फंड हो या ना हो, आपकी अगर जिला परिषद के सदस्य की अगर आपकी अगर स्ट्रांग विल पावर है, अगर आपकी इंटेंशन है सही करने का, तो उसमें होता है कि एक अपने तरफ से भी योजना को डाला जा सकता है। तो वो है क्या? बस 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 एक पॉइंट लास्ट, मितवयिता और बजट को प्रोत्साहित करना। आपने इतनी योजना गिनाई, हो सकता है आपका पॉजिटिव भी हो जी, लेकिन क्या जनता इस पे कैसे विश्वास करे, किस तरह से? सर अब तो हम हनुमान जी हैं नहीं कि सीना चीर के दिखा दें, अभी मेरे पास क्या है, ना मैं जिला परिषद का सिटिंग कैंडिडेट हूं जो अभी ऑलरेडी है, ना मेरे पास योजनाएं हैं, लेकिन मैं भरसक कोशिश करता हूं कि जब मैं क्षेत्र में जाता हूं और जनता कहते हैं कि ये मुखिया ने काम किया तो ये वार्ड सदस्य नहीं काम किया, तो मेरी कम से कम एक समाज सेवी और एक थोड़ा समाज सेवी के नाते मैं किसी भी पार्टी का दरवाज़ा खटखटा देता हूँ, चाहे विधायक जी हों या एमपी साहब हों। तो कोई संदेश है जिला परिषद संख्या 27 की जनता के लिए, कोई मैसेज? मैं जिला परिषद के जितने भी मेरे भाई बहन माता अभिभावकगण, मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ कि सब पे विश्वास किया आपने और जिला परिषद 27 का ये इतिहास रहा है कि एक जिला परिषद के सदस्य बनने के बाद दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, तो आप लोग खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि 5 साल के बाद ये काम नहीं करता है, इसको हटा दें, इस बार मुझे मौका दीजिए और मैं करके दिखाऊंगा, और अगर अगर मैं इस पंचवर्षीय में काम नहीं कर पाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा, आप एक बार विश्वास करके तो देखिए। चलिए अभी लग रहा होगा कि सबों ने लूटा है, तो एक बार नौजवान को जो है ना ये मौका दीजिए, लेकिन नौजवान जो है नौजवान आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा, वो करके दिखाएगा, एक जुनून है मुझे करने की, सनक है, क्रेजी हूँ मैं काम करने को लेके, एक बार मौका तो देके देखिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और मैं क्षेत्र संख्या 27 की जनता को ये तीसरा इंटरव्यू दिखा रहा हूँ, और भी इंटरव्यू है, आप वहाँ जाके उस इंटरव्यू को भी देख सकते हैं और आप फैसला कर सकते हैं कि आपको कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा पसंद है, किसकी बातों में सच्चाई नज़र आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।